हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक ब्लॉग में हाजिर हुआ हूं। जो आज आया हूं हीरो की शोरूम एके व्हील्स पर, और हमारे क्षेत्र में जो रहता है शोरूम का नाम एके व्हील्स, और उन्होंने जिसमें कि हमको बोला था सर्विसिंग टाइम लिया अगर करे तो हम लोग को वारंटी गारंटी सब कुछ मिलता है। तो फिलहाल मेरे बाइक के जो मीटर कंसोल है वो हम लोग को ख़राब हो चुकी है। क्या उसमें इंडिकेटर हम लोग जब दबाते हैं तो ब्लिंक करना चाहिए, बट वो ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो मैकेनिक ने चेकअप किया और हमने भी थोड़ा बहुत देखा था, तो मीटर एक्चुअली हम लोग का ख़राब हो गया था। तो आज वो फाइनल आ चुकी है और अभी आप लोगों को दिखाऊंगा उसका कीमत कितना है। वीडियो में जुड़ा रही है, तो फिर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मीटर कंसोल की कीमत है 3555 रुपया, और इसके अंदर मीटर कंसोल दिया गया है एकदम। देखिए फ्रेंड्स, यह हम लोग का मीटर कंसोल, और ये मीटर कंसोल के अंदर हम लोग का दिया गया है क्या, यानी कि जो इंडिकेटर फ्लशर होता है इसी के अंदर फिक्स किया गया है। तो चलिए हम आपको पहले प्रॉब्लम दिखाते हैं एक्चुअली, और इसको लगाने के बाद हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में जुड़ा रहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको दिखाता हूँ जो एक्चुअली मीटर कंसोल मेरा सब कुछ ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम है यही जो हम लोग इंडिकेटर दबाते हैं ना, तो देखिए इंडिकेटर लाइट जो है ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। दोनों साइड आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए ये राइट साइड की है और राइट साइड की है, यहाँ से हम लोग का ब्लिंक नहीं कर रहा है। इसकी वजह से हम लोग को पूरा मीटर कंसोल बदलना पड़ेगा, क्योंकि मीटर कंसोल के अंदर हम लोग का फ्लशर दिया गया है, उसी द्वारा हम लोग का इंडिकेटर जो होता है ब्लिंक करता है। तो ये फाइनली हम लोग का मीटर के अंदर सब कुछ सही है, बट फ्लशिंग जो सिस्टम है वो ख़राब हो गया है। तो चलिए आप लोग को प्रूफ करके दिखाते हैं जो एक्चुअली जो मीटर कंसोल है वो लगाने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये है हम लोग का पुराना मीटर और नया लगाओ, एकदम सेम सेम है ना। एक्सट्रेच, चलो लगाओ टाइट करके। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैंने मीटर नया मीटर सेटिंग कर दिया है, चलिए आपको दिखाता हूँ। और इंडिकेटर की लाइट जो है न्यू मीटर, और अभी आएगा 00। एकदम 00 अब इंडिकेटर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, फाइनली हम लोग का जो इंडिकेटर है वो एकदम बिलिंग होने लगा है, ठीक है। राइट साइड का एकदम बिलिंग हो रहा है, यानी कि जो भी समस्या था यहाँ समाधान हो चुकी है गाइस, ठीक है। और आप लोगों को ये जो मीटर था, तो आप लोगों के बाइक में भी अगर मीटर इंडिकेटर लाइट अगर बिलिंग नहीं कर रहा है तो मीटर कंसोल को आप लोग चेंज करो, हो जाएगा। अगर नया बाइक का डीलर के पास जाओ तो वो लोग क्या करेगा, नया एक्सचेंज कर देगा। वारंटी गारंटी में अगर रहता है, अगर सर्विसिंग आप लोग स्मूथली करते हैं तो आप लोग को वारंटी गारंटी में ज़रूर मिलेगा। तो मुझे मिल गया है, तो चलो यहाँ से फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करने के बाद आप लोग से मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस इतना सा, फिर नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर ब्लॉग चैनल के साथ।